लेटर बॉक्स में एक ऑर्डिनरी डाक थी जिसको मैंने देखा और वो एक आधार कार्ड था जी। वो जिनका कार्ड था तो मतलब उनको मैंने जब मैंने उसको फोटो को अच्छे से देखा और मुझे लगा कि ये व्यक्ति जो है इनको मैं जानती नहीं हूँ, तो मेरे को कुछ लगा कि ये कैसे हुआ, तो मैंने उनको फोन लगाया। जब मैंने उनको फोन लगाया तो वो अपने आप को इनोसेंट साउंड कर रहे थे। वो मैडम मैंने कुछ नहीं पता, मैं आधार कार्ड अपडेट करने लिए देता सी, लेकिन ये किस तरह होया मैंने पता ही नहीं। जब गए तो जी पुलिस भी ऐसे पहले तो लाइटली ले रही थी कि मैडम जी ऐसे ही होता है जी, इनको गाड़ियों की वो करनी होती है तो वो ये ऐसे कर लेते हैं। तो मुझे लगा कि गाड़ियों की करते हैं या जो भी करते हैं, दैट्स माई रेजिडेंस, ऐसा हुआ है तो यू मस्ट टेक एक्शन ऑन दैट। इनडेड मुझे क्यूरियोसिटी लास्ट मिनट तक यही रही कि ये इन लोगों ने मेरा कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट यूज किया है जिसके बिहाफ पे दे हैव अपडेटेड देयर एड्रेस व्हिच इज एक्चुअली माइन। देश विदेश से देख रहे अर्थ प्रकाश टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। एक बहुत पुरानी कहावत है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। शायद आजकल की जो नई जनरेशन है वो इसका मतलब ना समझे, वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं कि जहां सूरज की किरणें नहीं पहुंच सकती वहां कवि की कल्पना पहुंच जाती है। लेकिन इसी को अगर दूसरे तरीके से कहें कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए स्कैमर, तो ये आज के युग में ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो स्कैम्स है, नए नए स्कैम्स रोज निकल रहे हैं और स्कैमर इस तरीके से सोचता है, इतनी ब्रिलियंटली सोचता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा ही एक स्कैम चंडीगढ़ ट्राई सिटी में हो रहा है आजकल, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से रिलेट करता है। होता क्या इसमें कि जो चंडीगढ़ के एड्रेस पे कोई भी अननोन व्यक्ति कहीं से भी, भारत के किसी हिस्से से भी, चंडीगढ़ में अपना आधार कार्ड बना लेता है बगैर उसके मकान मालिक को पता लगाए। तो बहुत बड़ा स्कैंडल है जी ये। ऐसे ही एक भुक्त होगी जिनके साथ ये बीता है, हमारे साथ हैं मैडम मंजू महाजन। नमस्कार मैडम। हाँ, नमस्कार जी। तो इनसे हम बातचीत करेंगे विस्तार में, कैसे कैसे इनके साथ हुआ, कैसे इन्होंने उस चीज से निपटा, कैसे इनको पता चला, तो ताकि दर्शकों को भी पता चले। वो देखें अगर उनके साथ ये ऐसा वाक्य होता है तो डरे नहीं, घबराए नहीं, जैसा कि मंजू मैडम ने किया है तो उसी तरह से आप भी इस मुसीबत से निकल सकते हैं। हाँ जी मंजू जी, बताइए वो क्या वाक्य हुआ था आपके साथ? और हाँ जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि अभी कुछ दिन पहले जी मेरे घर पे लेटर बॉक्स में एक ऑर्डिनरी डाक थी जिसको मैंने देखा और वो एक आधार कार्ड था जी। वो जिनका कार्ड था तो मतलब उनको मैंने जब मैंने उसको फोटो को अच्छे से देखा और मुझे लगा कि ये व्यक्ति जो है इनको मैं जानती नहीं हूँ, तो मेरे को कुछ लगा कि ये कैसे हुआ, तो मैंने उनको फोन लगाया। जब मैंने उनको फोन लगाया तो वो अपने आप को इनोसेंट साउंड कर रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप शॉक्ड हो गए होंगे ना, इट वाज क्वाइट शॉकिंग फॉर मी कि ये कैसे हुआ कि हम तो इनको जानते नहीं है। एक व्यक्ति अपना मतलब किसी का कहीं भी देश के किसी भी कोने में जो उसका घर होता है वो उसका पर्सनल साम्राज्य रहता है, उसको लगता है कि ये मेरा घर है और इसमें कोई भी है वो मेरी आज्ञा के बिना, मेरे परमिशन के बिना ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बट व्हेन आई सॉ दैट आधार कार्ड तो मेरी क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ गई कि ये कौन है, किसने बनवाया, तो मैंने उनको फोन किया। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या स्टेप लिया कि उनको फोन किया? हाँ, सबसे तो उनका रिएक्शन क्या था जी? सबसे पहले जब मैंने उन्हें फोन किया तो उन्होंने मतलब उस व्यक्ति ने ऐसे दिखाया कि वो बिल्कुल ही मासूम है कि ही डजंट नो एनीथिंग कि ये कैसे हुआ। वो मैडम मैंने कुछ नहीं पता, मैं आधार कार्ड अपडेट करने लिए देता सी, लेकिन ये किस तरह होया मैंने पता ही अच्छा, नहीं। वो ऐसे शो करने लग गया कि जैसे ये डिपार्टमेंटल कोई डिपार्टमेंटल फॉल्ट है। तो मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी फिर से पूछा कि अच्छा ये कैसे हुआ, आप रहते कहाँ हो? तो वो पहले मुझे बोल रहा कि जी मैं मतलब उसने अपना आइडेंटिटी बिल्कुल ही कंसील की कि यहाँ रहता हूँ वहां रहता हूँ, बिकॉज अभी छुपाने की पूरा कंसील कर रहे थे। तो बात करते करते ग्रेजुअली मुझे लगा कि ये झूठ बोल रहे हैं जी, झूठ बोल रहे हैं। तो मैंने हाउएवर फोन डिस्कनेक्ट हो गया। उसके बाद उनकी वापस मेरे को कॉल आई कि नहीं नहीं मैडम आप शक कर रहे हो। मैं कहा हाँ मैं शक कर रही हूँ जी, मैं बिल्कुल शक कर रही हूँ, आपने मुझे ऐसे अभी बोला कि अच्छा आप बताओ आपकी क्या आइडिया। मतलब हाउ एवर वो जेंटलमैन अपनी आइडेंटिटी को कंटिन्यूटी में कंसील कर रहे थे, बता नहीं रहे थे। तो मैंने फिर उनकी पुलिस कंप्लेन कर दी। राइट।
मुझे तो पुलिस का क्या रिएक्शन था जब आप पुलिस के पास भी जब गए तो जी पुलिस भी ऐसे पहले तो लाइटली ले रही थी कि मैडम जी ऐसे ही होता है जी, इनको गाड़ियों की वो करनी होती है तो वो ये ऐसे कर लेते हैं, तो मुझे लगा कि गाड़ियों की करते हैं या जो भी करते हैं, दैट्स माई रेजिडेंस, ऐसा हुआ है तो यू मस्ट टेक एक्शन ऑन दैट। तो उन्होंने उसको फिर मेरे इंसिस्ट करने पर उसको बुला लिया। उसको जब बुलाया गया तो फिर उन्होंने उसे थोड़ा सा जब सख्ती से पूछा तब उसने कहा कि ये तो जी मतलब किसी एक और व्यक्ति का नाम ले लिया, तो वो दूसरे व्यक्ति को भी बुला लिया गया। तो दूसरा व्यक्ति वो था कौन जी? अब दूसरा व्यक्ति वो कोई डीलर टाइप कुछ था। अच्छा, वो कार डीलर टाइप था कुछ ऐसे? ठीक है, वो कार डीलर था। तो मैडम जब आपको लगा कि आपके साथ धोखा हो रहा है, कोई आपको ठगा जा रहा है या आपको कोई मिसयूज किया जा रहा है आपके रेजिडेंस का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पुलिस के पास गए, तो पुलिस का क्या रिएक्शन था उस वक्त? नहीं, पुलिस बिगिनिंग में तो उनका कोई ऐसे लगा नहीं कि वो इस चीज को कोई ऐसे कोई इम्पोर्टेंस दे रहे हैं या कुछ, बट जब मैंने थोड़ा सा इंसिस्ट किया कि नहीं ये किसी कोई व्यक्ति जो है ऐसे कर रहा है और दिस इज एब्सोल्युटली एन ऑफेंसिव जॉब जो कर रहा है उसको आप बुलाओ, फिर जब उन्होंने पहले बंदे को बुलाया फिर उसने वो दूसरे व्यक्ति का नाम लिया, वो दूसरा व्यक्ति भी आ गया। दूसरा व्यक्ति उसका दोस्त था या दूसरा व्यक्ति प्रोफेशनल था जी? वो कोई कार डीलर टाइप कुछ था। राइट, तो उसने फिर क्योंकि इन लोगों ने अब माफिया मांगी है, रिटर्न में दिया है, तो वो मैटर ओवर एंड आउट हो गया है। ऑन ह्यूमैनिटी आई हैव ऑलरेडी फॉरगिवन देम, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि अब आप बहुत कुछ क्या ही कर लोगे, किसी ना किसी स्टेज पे आपके वो चीज तो आपको फॉरगिव करनी पड़ती है कि जब समाज के दो लोग साथ में आते हैं, वो समाज के चार अच्छे लोग भी होते हैं और वो आपसे अपोलॉजी करते हैं, तो आप उनको माफ कर देते हैं। एक ड्रॉबैक भी है जी, ड्रॉबैक इसका ये है कि आपने उनको माफ कर दिया ह्यूमैनिटी बेसिस के ऊपर, तो वो सस्ते में छूट गए, माफी मांगी छूट, तो ऐसा तो वो कल को फिर करेंगे। देखो मैं इस तरह की संभावना से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर रही हूँ कि ऐसा वो नहीं करेंगे आगे जाके। मुझे अब किसी स्टेज पे आपको लगता है कि चलो अब अगर मेरा काम हो रहा है, मैंने उनसे ये रिटर्न में लिया कि वो अब अपना एड्रेस चेंज करवाएंगे और उन्होंने करवाया भी है, इनडेड मुझे क्यूरियोसिटी लास्ट मिनट तक यही रही कि ये इन लोगों ने मेरा कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट यूज किया है जिसके बिहाफ पे दे हैव अपडेटेड देयर एड्रेस व्हिच इज एक्चुअली माइन। तो मैंने फिर आधार कार्ड आधार दफ्तर को भी अप्रोच किया विच इज इन सेक्टर 17। अब वहां से मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली जो मुझे लगता है कि जो गलत चल रहा है, और भारत सरकार से भी मैं इस चीज को उनको भी मैं एक अपील डालना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि उन्होंने मुझे ये बताया कि मैडम इसमें एक जो न्यू एनरोलमेंट हो रही है उसमें तो एड्रेस की फिजिकल वेरिफिकेशन होती है, वेयर एज जो पुराने जो आधार कार्ड है अगर उसमें किसी ने अपना आधार को अपडेट करवाना है तो वो खाली एक स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट इश्यूड बाय एनी गेस्टेड ऑफिसर, लेट इट बी द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, CDPO, और उन्होंने बहुत सारी कैटेगरीज के उन्होंने मुझे बताया, सरपंच, एनी प्रधान, एनी काउंसलर, एग्जैक्टली, अदर देन दैट उन्होंने बताया कि ये तो जी सरपंच भी कर सकता है, ये तो जी पार्षद भी कर सकता है, ये जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं MLAs कर सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर सकते हैं, एक्सेट्रा, काफी सारे उन्होंने मेरे को बता दिया कि ये सारे लोग इस चीज के लिए फुल्ली अथोराइज्ड है, दे कैन रिलीज अ सर्टिफिकेट। अब सवाल ये पैदा होता है, एक बात उन्होंने और बताई जो उससे भी ज्यादा शॉकिंग है कि ये इतना ही नहीं कि अगर किसी ने चंडीगढ़ का एड्रेस को कंटिन्यू करना है या अपडेट करवाना है तो वो चंडीगढ़ का पार्षद हो ऐसा भी नहीं है, चंडीगढ़ का MLA हो ऐसा भी नहीं है, वो व्यक्ति जो है अक्रॉस द नेशन कहीं भी बैठ के, वो कोलकाता में बैठा है, वो चंडीगढ़ के व्यक्ति को बोल रहा है कि हाँ ये फलाने एड्रेस पे कि ये दिस इज टू बी सर्टिफाइड दैट सो एंड सो इज रेजाइडिंग ऑन, थोड़ा सा इसको करेक्ट करें, नॉट अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस द स्टेट्स, अक्रॉस द नेशन, आप कोलकाता में भी बैठे हो तो वो वहां से भी कर सकते हो। okay. क्योंकि उन्होंने मुझे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल भी कोट किया बीच में, शी सेड कि मैडम एक कपल ऑफ मंथ्स बैक एक मैडम जो दिल्ली में रहती थी
उन्होंने जो है वहां पे बैठ के एक चंडीगढ़ के बंदे को सर्टिफाई कर दिया कि ये जी फलाने एड्रेस पे रहता है. नाउ द क्वेश्चन इज के हु दैट लेडी इज टू सर्टिफाई, हाउ शी नोज दैट पर्सन, एंड लेटर ऑन व्हेन आधार पीपल कॉन्टेक्टेड दैट पर्टिकुलर मैडम तो शी सिंपली रिफ्यूज्ड कि मैंने ये नहीं किया. अब बताओ अगर उन्होंने नहीं किया तो दैट मीन्स उनके सिग्नेचर्स भी किसी ने फेक किए होंगे, उनके स्टैम्प भी किसी ने फेकली यूज की होगी. तो ये कितना बड़ा ऐसा है जी कि इंसान अपने घर को अगर थर्ड पार्टी कोई आके ये बोलती है कि मैं भी यहाँ रह रहा हूँ तो कितना बुरा लगेगा किसी को. बिल्कुल बिल्कुल. कितना अच्छा, बुरा लगेगा जी. एक जो प्रश्न है बार बार मेरे दिमाग में कौंध रहा है जी, क्या आपने ये सॉर्ट आउट करने की कोशिश की कि वाज इट द प्लान्ड और रैंडमली उन्होंने आपका घर का एड्रेस लिख दिया? हाँ जी, मैंने जब ये सारा वर्कअप किया मुझे उन लोगों से भी बात होने के बाद अल्टीमेटली ऐसे लगा कि ये रैंडमली यूज हुआ है जी. तो ऐसे पड़ा कोई लेट इट बी एनी कि कुछ भी लिख दे जी, इट कैन बी एनी, मतलब रैंडमली यूज हुआ है लेकिन हुआ है. तो देखिए ये थे हमारे साथ मंजू जी जो चंडीगढ़ में रहने वाले हैं. हम इनका एड्रेस वगैरह तो कोई डिस्क्लोज नहीं करेंगे, हम एंटी बेसिस पे, ना ही हम जो कल्प्रेट्स हैं उनके बारे में कुछ बताएंगे. लेकिन एक बहुत बड़ा स्कैम जो अभी आपके सामने उजागर हुआ है तो आपने देखा कैसे, और मैं जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपके साथ कोई ऐसा घटना घटती है तो आप चुप होकर मत बैठिए. जैसे ये मंजू मैडम सामने आए हैं, आप सामने आए कृपया और इस चीज को फेस कीजिए. आपकी छोटी सी एक हरकत से, आपके छोटे से प्रयास से एक बहुत बड़ा स्कैंडल होने से बच सकता है. अब स्कैंडल आप सोचें क्या आधार कार्ड है, लेकिन जो आपके घर के एड्रेस के ऊपर जो गाड़ी रजिस्टर्ड हो रही है उस गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति भी इंश्योर्ड होता है, उसकी इंश्योरेंस होती है, कल को आपको इसके लेने के देने पड़ सकते हैं. धन्यवाद मंजू जी. हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं तो आपसे कहूंगा कि अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा घटता है, किसी के साथ भी घटता है तो जी, जी 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 वी शुड कम फॉरवर्ड टू टेल पीपल, इट शुड नॉट बी स्केयरी कि ठीक है हुआ है तो आप उसको जो है आप लोगों को बताइए कि क्या हुआ है, और ओनली देन वी कैन मेक पीपल अवेयर. दैट इज व्हाट ऑल आई कैन से. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.